गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रिक फेसर। तो कैसे आप सब? बढ़िया। आज हम बात करने वाले हैं अगरतला की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में, मतलब अगरतला सिटी के आसपास जो कुछ है देखने लायक उन सब के बारे में। तो एक चीज़ बता देता हूँ, अगरतला इज़ अ वेरी क्लीन सिटी एट प्रेजेंट, इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट। बात और अगरतला में आपको कुछ मिले या ना मिले, बट डेफिनेटली यू विल स्पॉट ग्रीनरी अराउंड द सिटी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट प्रेजेंट। हाँ, तो फिर आप अगर अगरतला में टूरिस्ट हो या फिर त्रिपुरा के किसी दूसरे हिस्से से आए हो, एंड इन दैट केस यू आर कन्फ्यूज हाउ टू स्टार्ट योर डे, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो आप जब भी अगरतला आएंगे तो आप अपनी जर्नी शुरू करेंगे विद द ब्यूटिफुल उज्जैनता पैलेस, वेल नोन एज राजबाड़ी। Guys, Agartala is the capital city of a small and a beautiful state of India called Tripura, which was ruled by the great royal title of Manikya. इस royal family का जो सबसे पहले का महाराजा है वो है महाराजा महामानिक्य, and the last king of this royal family was the great महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक्य बहादुर। So आप जब भी अगरतला आओगे घूमने, then this is the must visit place guys। और दोस्तों, ये उज्जैनता पैलेस पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा म्यूजियम है। Our next destination is Lakshmi Narayan Bari. The second place where you must visit if you are in Agartala is the beautiful Lakshmi Narayan Bari, just next to Ujjainta Palace, constructed by Birendra Kishore Manikya. Agartala ke har ek log visit this place to take blessings and also to spend a peaceful time. Jab aap mandir ke andar jayenge, to mandir ke piche aapko dikhega ek bahut hi khoobsurat sa lake jo aapke har thakan aur stress ko dur kar dega. आप वहां 10 से 15 मिनट बैठे और अपनी आगे की जर्नी शुरू कीजिए। Guys, our third destination is Jagannath Temple. A very beautiful infrastructure built on the other side of Ujjainta Palace, और ये बनाया गया है by Maharaja Radhakishore Manikya. इस temple को dedicate किया गया है to the Hindu gods Jagannath, Balbhadra and Subhadra. You can call it Balbhadra or Balabhadra in the 19th century. दोस्तों, अब तक हम जो कुछ भी देखे सब historical है, जो कि हमारे त्रिपुरा के राजाओं ने बनाया है। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे फोर्थ डेस्टिनेशन पे, जो कि है हेरिटेज पार्क। इस पार्क को त्रिपुरा गवर्नमेंट ने बनाया है और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2012 को। गाइस, आपको पता है इस पार्क का सबसे बेहतरीन और मीनिंगफुल पार्ट कौन सा है? मैं आपको बताता हूँ। इस पार्क के एंट्रेंस के जो गेट है, उस गेट को बनाया गया है ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कल्चर्स को मद्देनजर रखते हुए। दिस इज द मोस्ट मीनिंगफुल पार्ट ऑफ दिस पार्क। Another important thing about this park is the park has miniatures of all the monuments in and around Tripura.
गाइज हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है ऑक्सीजन पार्क। इस पार्क को सिटी के पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इस पार्क का जो गेट है वो एक लंग के शेप का है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।